आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। सीधी जिले के जमोड़ी थाना अंतर्गत छिरौही गांव में उस वक्त हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई जब महुआ के पेड़ के नीचे एक 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी का शव देखा गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मामले की गंभीरता को समझते हुए खुद पुलिस अधीक्षक और ASP घटनास्थल पर जांच करने के लिए पहुंचे थे और कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतका का कथित प्रेमी सहित उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। सीधी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा, ASP अरविंद श्रीवास्तव ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतका अपने ही पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति से लगाव रखती थी जो आरोपियों को पसंद नहीं था। आरोपियों के द्वारा पूर्व में भी मृतका से अवैध संबंध बनाने का दबाव डाला जा रहा था जो मृतका द्वारा लगातार विरोध किया गया। दिनांक 24 अगस्त को मृतका साड़ी पहनकर मांग में सिंदूर भरकर घर के सामने अपनी भाभी के साथ बैठी थी। इतने में आरोपी धर्मेंद्र उर्फ भोले सिंह निवासी ग्राम छिरौही अपने साथी के साथ आया और बोला कि मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। उसी रात लगभग 12 बजे के बाद आरोपियों द्वारा मृतका के घर के दरवाजे में हाथ डालकर कुंडी खोलकर अंदर प्रवेश कर लिया गया। उस समय मृतका अपने भाभी के साथ सो रही थी जो आवाज सुनकर ननद एवं भाभी दोनों जग गई। आरोपियों के द्वारा मृतका को उठाकर अंदर कमरे में ले जाकर उसे जमीन पर पटक दिया गया एवं मारपीट करते हुए उसका गला दबा दिया गया जिसकी वजह से मृतका की मृत्यु हो गई। आरोपी ने मृत्यु के बाद शव उठाकर उसके घर के पीछे महुआ के पेड़ के नीचे लिटा दिया। घटना के दौरान साथी धीरज सिंह मृतका की भाभी के पास बैठकर उसका मुंह दबाकर रखा था। मृतका की हत्या कर बाहर लिटा देने के बाद आरोपियों द्वारा उसकी भाभी को भी धमकाया गया कि अगर इस संबंध में किसी को कुछ भी बोली तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों की भी हालत इसी तरह से करूंगा। वहीं आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। लड़की का एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और जो आरोपी है उसी बात से इशारा रखता था और उसको बार बार मना करता था कि लड़की है उस लड़के से बात ना करें, फिर लड़की से जो है संपर्क करके इसी बात को लेकर इशारा और लड़की भावना।